फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आई हूँ बहुत सारे दिन बाद ब्लॉग के बनाने के लिए। मुझे लग रहा पूरे एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया, मैं हमेशा ऐसे ही बोलती हूँ आगे। इस ब्लॉग में जुड़े रहें, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल और बेल का जो आइकन है उसको भी प्रेस कर देना, सो दैट जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनको नोटिफिकेशन आते रहे कि मेरे ब्लॉग्स आ रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं वसुंधरा। आज मेरी डॉटर का टाइकोंडो का बेल्ट टेस्ट है, वो ब्लू बेल्ट है। नाउ शी इज़ गिविंग टेस्ट सो दैट शी बी अर्निंग रेड स्ट्राइप। सो देर आर लॉट ऑफ लेवल्स हमें बेल्ट होते हैं इसके अंदर। पहले येलो स्ट्राइप होता है, वाइट बेल्ट से आप येलो स्ट्राइप, येलो बेल्ट, और उसके बाद होता है ग्रीन स्ट्राइप, ग्रीन बेल्ट, ब्लू स्ट्राइप, ब्लू बेल्ट, रेड स्ट्राइप, रेड बेल्ट, ब्लैक स्ट्राइप एंड ब्लैक बेल्ट। तो आज उसका रेड स्ट्राइप का है, तो ब्लैक, यस, सो उसको ब्लैक बेल्ट होने में अभी आज के बाद अगर उसको रेड स्ट्राइप मिल जाता है तो फिर वो रेड बेल्ट का करेगी कोर्स, देन फिर वो ब्लैक स्ट्राइप और ब्लैक बेल्ट, और फिर ब्लैक बेल्ट के ऊपर फिर डिग्रीज होता है, 1 degree, 2 degree, 3 degree। जैसे आपने टाइगर श्रॉफ और ऋतिक रोशन इन सबके पास डिग्रीज हैं ब्लैक बेल्ट में। तो किसी के पास 3rd degree है, किसी के पास 5th degree है, सो वो एक लेवल्स होते हैं। सो आज हम जा रहे हैं वो करने, और एवरी ईयर और मे बी 8 to 9 months लेटर जितना भी कोर्स होता है उसके बेसिस पे इनका थ्योरी और इनका फिर प्रॉपर पैटर्न्स का टेस्ट होता है। तो ये तो रहा एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, बाकी जब मैं वहाँ जाऊँगी तो मैं दिखाऊँगी कि हाउ किड्स आर लुकिंग। वैसे तो टाइकोंडो का जो अटायर होता है सबको पता होता है। तो अभी शी इज सिटिंग और पढ़ाई भी कर रही है, बुक भी है उसकी, दिखाओ, उसे थ्योरी भी पढ़नी होती है। तो थ्योरी में बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं बिकॉज इट्स अ फॉर्म ऑफ कोरियन इसमें होते हैं, पूरी एक फेडरेशन होती है ये जो इस बेल्ट टाइकोंडो की एसोसिएशन होती है, विच टेक केयर्स ऑफ दैट। सो इसकी एसोसिएशन दिल्ली एसोसिएशन से है इसका एफिलिएशन। अब ये जब थोड़ा रेड स्ट्राइप हो जाएगी, रेड बेल्ट हो जाएगी, देन आई मेक हर श्योर कि इसे फिर मैं फाइट्स में उतारूँ। फाइट्स में प्रॉपर गार्ड्स के साथ फाइट होती है, आपने देखा होगा। सो बहुत ज़्यादा डिफरेंस, मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं है कि टाइकोंडो और क्या होते हैं जूडो कराटे में कितना डिफरेंस है। आपको पता है परी, जूडो कराटे में और टाइकोंडो में कितना डिफरेंस होता है? ज़्यादा नहीं होता, बस उसमें अलग लैंग्वेज होती है, इसमें अलग लैंग्वेज होती है। लैंग्वेज मतलब पैटर्न्स बात कर रहे हो? हाँ, या पैटर्न्स अलग होते हैं उनके, हमारे पैटर्न्स अलग होते हैं। ओके ओके। उनकी जो काउंटिंग होती है वो अलग होती है, हमारी अलग होती है। अच्छा, तो अभी आपकी दो पैटर्न चल रहे हैं ना, एक तो युलगॉक और जंगुन। तो जंगुन इसकी मेन पैटर्न है, उसमें मतलब आई शो यू, मतलब आपको दिखाऊंगी, सिर्फ वो ही है। काफ़ी सारे लोग रहेंगे, बड़े भी रहेंगे, सीनियर्स भी रहते हैं, जूनियर्स भी रहते हैं। सो आई शो यू व्हेन एवर रीच देयर। सो अच्छा, येलगॉप जो था वो उसका पैटर्न तब था व्हेन शी वाज अबाउट टू बिकम ब्लू स्ट्राइप होल्डर। अब ब्लू स्ट्राइप नहीं, ब्लू बेल्ट, ब्लू बेल्ट होल्डर। और अब रेड स्ट्राइप के लिए इसका है जंगो। तो चलते हैं अपनी इस जर्नी में, एंड प्लीज़ इस व्लॉग को एंड तक देखें, स्पेशली वो लोग जो टाइकोंडो से या फिर अपने किड्स को या खुद ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि आज की डेट में मार्शल आर्ट्स, कोई भी फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स सबके लिए ज़रूरी है, सबको बेसिक सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। सो इस चीज़ का अपना ही एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, सेल्फ डिफेंस। आज के समय में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, एवरीबडी शुड बी अवेयर दैट उसको अपना बचाव कैसे करना है। एंड आई थिंक इसके लिए तो काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम भी चल रहे हैं, सो इट इज़ वेरी हार्ड एंड इम्पॉर्टेंट। स्केटिंग, डांस, सिंगिंग और आर्ट्स ये तो सब करते हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि वी शुड स्पेंड सम ऑफ आर टाइम इन होल डे टूवर्ड्स आर फिजिकल स्ट्रेंथ। और इससे सेल्फ डिफेंस तो आता ही है डेफिनेटली, और इसमें आपकी सेल्फ डिफेंस बहुत, सेल्फ डिफेंस के साथ आपकी फिजिकल फिटनेस पे भी बहुत ध्यान दिया जाता है। जो ग्रोइंग किड्स होते हैं या बच्चे होते हैं, अगर वो ऐसी कोई भी फिजिकल फिटनेस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो उनकी बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन में काफ़ी हेल्प मिलती है, दे कैन डू गुड इन स्टडीज। सो लेट्स कम विद मी इन दिस जर्नी, और प्लीज़ ब्लॉग को एंड तक देखना, और जो मेरे पुराने ब्लॉग्स हैं आप उनको जाके दोबारा देखें, बिकॉज उसमें काफ़ी एक दो चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगेगी। फ्रेंड्स, हम पहुँच गए हैं इनकी बेल्ट लोकेशन पे, ये सब पेरेंट्स हैं, और सारी चाहे वाइट हो, ब्लू हो, ग्रीन हो, येलो हो, रेड बेल्ट हो या रेड स्ट्राइप हो,
सब के लिए आएंगे तो ये इनका स्टेशन है। चलो हम पहुँचते हैं। चलो भाग ले लो। सही जा रही है हमारी एकाउंट याद है सारे पैटर्न सारी थ्योरीज। चलो 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 जल्दी। मे बी यू हैव टू रन परी। फ्रेंड्स यहाँ गो फ्रॉम दैट साइड सारे पेरेंट्स हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे सारे जूनियर से लेफ्ट में और राइट में सारे सीनियर बच्चे हैं क्योंकि वो सब ब्लू बेल्ट और रेड बेल्ट हैं। यह पेरेंट्स को दूर रखने के लिए कहा गया है। वाइट बेल्ट का टेस्ट हो चुका है और वाइट बेल्ट को अभी प्रमोट करने के लिए येलो बेल्ट दे दिया गया है। वैसे येलो स्ट्राइप होता है पर डबल प्रमोशन होता है इस समय में। और मेरी डॉटर का अभी भी चल रहा है बिकॉज वो सीनियर्स में है अभी भी। येलो बेल्ट का और ग्रीन स्ट्राइप का ग्रीन बेल्ट का ब्लू स्ट्राइप का ब्लू बेल्ट का रेड स्ट्राइप का अभी भी एग्ज़ाम चल रहा है। तो लेट मी शो यू फ्रॉम दी बैक कैमरा। और इस समय हमें लग रही है गर्मी लेकिन क्या कर सकते हैं हमें यहाँ वेट करना पड़ेगा। तो चलो दिखाती हूँ मैं आपको बैक कैमरे से सारे स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स ये हो रहा है वाइवा। सो अभी वाइवा के लिए और बच्चे भी वेट कर रहे हैं। एक पूरा प्रोसेस होता है। बाहर के ट्रेनर आते हैं वो पूरा टेस्ट लेते हैं उसके बाद वाइवा होता है। इट्स ऑल प्रैक्टिकल। मिल गए हैं इनको। ये मिल गई है इसको रेड स्ट्राइप। और ये मिला रिफ्रेशमेंट खाओ उसे एंजॉय करो। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। और काफी सारे पैटर्न्स होते हैं। ऐसा रहता है कि ज्यादातर जो में एग्जाम्स होते हैं ये एग्जाम्स तो हो जाते हैं लेकिन इनका मेन जो पर्पस होता है वो पता लगता है फाइट में। जब लोग फ्लाइट करते हैं फाइट में एक्चुअल डिफेंसिंग पावर अपनी पता लगती है कि कहाँ पे कौन सा पैटर्न अप्लाई करना है कहाँ डिफेंस करना है। सो सून जब फाइट्स में शील पार्टिसिपेट तो मैं उसका भी एक सोचूंगी ब्लॉग बनाऊंगी। तो अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा रहा और 3 घंटे करीबन ये टेस्ट चला है। तो अब हम वापसी की जर्नी पर हैं और बच्चों को रिफ्रेशमेंट सब कुछ। आज वेदर भी बहुत ह्यूमिड था सो मतलब जितने एफर्ट लगने थे उससे दुगने लगे क्योंकि गर्मी पसीना चिप 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 तो हो गई। आप उसमें ही रख दो। तो इस तरीके से ये इनका टाइकोंडो का जो बेल्ट टेस्ट है वो कंप्लीट हुआ। नाउ शी इज रेड स्ट्राइप। अब इसके बाद ये रेड बेल्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करेगी। उसका कोर्स फिर से 6 से 8 महीना चलेगा और उसके बाद फिर रेड बेल्ट के बाद एक प्रोसेस होगा ब्लैक बेल्ट तक पहुंचने का। उसका उसमें करीबन 1 से 1.5 साल लग जाता है रेड बेल्ट से ब्लैक बेल्ट तक पहुंचने में। तो इसके साथ ये चीज़ तो फिनिश हुई हमारी। फ्रेंड्स ये देखिए हम रेस्ट से वापस जा रहे हैं और कावड़ के दिन
सावन के दिन शुरू हुए हैं, शिवरात्रि है 2 तारीख की। काफ़ी जगह रास्ते भी बंद हो चुके हैं, तो अभी हमारा ये रास्ता बिल्कुल खाली है। लेकिन अभी 1-2 दिन बाद, क्योंकि शिवरात्रि 2 तारीख को, तो 30, 31 और 1-3 दिन काफ़ी भीड़ रहने वाली है। और धीरे धीरे क्योंकि लोग यहाँ से भी जा रहे हैं और मोहन नगर से भी जा रहे हैं। अब आए हैं हम स्पेक्स की शॉप पे। ये हमारे फिक्स ऑप्टिशियन भैया हैं, तो परी को, मेरे को और इनको चेंज कराने थे अपने फ्रेम और लेंसेस, तो हम यहाँ आए हैं। और बेल्ट टेस्ट हो गया, मैंने आपको थोड़ा सा कावड़ का दिखाया। अभी मैं कावड़ में सोच रही सावन पे एक ब्लॉग बनाऊँ बहुत बढ़िया सा। अभी क्योंकि ना ज़्यादा भीड़ नहीं है जहाँ पर मैं हूँ, 1-2 दिन में वहाँ भीड़ चालू हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ आए हैं अपने ऑप्टिशियन पे, मैं छोटा मोटा काम कर लें। तो यहाँ मैंने तो फ्रेम पसंद कर लिया है, इस बार मैं कुछ इस तरह के फॉर्मेट में जा रही हूँ इस कलर में। सो दे हैव वेरी गुड रेंज ऑफ फ्रेम्स एंड लेंसेज। तो जनरली मैं प्रोवेंशिया का जो एक लेंस होता है वो यूज़ करती हूँ, डॉटर का भी है, तो परी के लिए भी अच्छा ही लेंस प्रेफर करते हैं। जनरली ब्लू कट जो होता है, ब्लू कट में भी हाई क्वालिटी वाला, क्योंकि बच्चों का भी स्क्रीन टाइम स्कूल में बहुत होता है और हम लोगों का, सिर्फ हम लोग वर्किंग है तो हम लोगों को तो और भी ज़्यादा होता है लैपटॉप पे स्क्रीन टाइम। तो मैं यहीं आती हूँ सालों से एंड जनरली मैं कराती हूँ। इस समय वेदर इतना हॉट है और गर्मी इतनी लग रही है कुछ नहीं। सो हमने काम बस करवा रहे हैं, राहुल की आइज़ का चेकअप हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ चेकअप। और जनरली हम लोग यहीं से करवाते हैं, तो उनके पास सब रेंजेस हैं। आप चाहे तो नॉर्मल रेंज ले सकते हैं, नॉर्मल से थोड़ी ऊँची ले सकते हैं, लेंसेज में भी और फ्रेम्स में भी, और आपके जो गॉगल्स हैं उन्हें एविएटर का कोई से भी, और आपको महंगे से महंगा मिल जाएगा। सो वो रही है, तो ये हमारी फिक्स शॉप है, हम आते ही आते हैं। बाद हम एक तो छोटे मोटे काम करेंगे एंड देन विल मूव अहेड टू आवर होम, बिकॉज कल है मंडे, फिर मंडे से वही सारा दिन चालू हो जाएगा। और हाउ इट लाइफ यू नो, इसी तरीके से हाउ एक्चुअली लाइफ गोज ऑन। तो मैं मिलती हूँ कोऑर्डिनेशन में आपको। और ये था संडे का, आज का इवनिंग का जो जो मैंने टाइम स्पेंड किया। मॉर्निंग तो इट वॉज लाइक वेरी नॉर्मल, घर का काम और ये सब, उसके बाद फिर टेस्ट था, उसके बाद हम यहाँ मार्केट आए हैं काम करवाने के लिए। मैं पहुँच गई हूँ वापस घर, हमने शॉपिंग भी की, थोड़ा बहुत सामान खा पी भी लिया बाहर से और थोड़ा सामान भी ले लिया। अब हम आ गए हैं घर, रात के बज रहे हैं 9। तो इसी आशा के साथ मिलती हूँ आपके साथ एक नए ब्लॉग में, और करती हूँ उस ब्लॉग को एंड। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें, खूब समय इंजॉय करें, हेल्थ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखें, क्योंकि मुझे पता है कि जब तबीयत ख़राब होती है तो कितना अजीब लगता है। एंड टेक गुड डाइट, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, एंड प्लीज़ प्लीज़ मेरे ब्लॉग को एंड तक देखें। मोर ओवर, डू नॉट फोरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। जो लोग नए हैं इस चैनल पे, वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, जिससे जो भी मेरा ब्लॉग्स है, वीडियोस है, जो नोटिफिकेशन है, वो आप तक मिलती रहे। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नए ब्लॉग में, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई एक्सप्लोरेशन के बाद। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड ऑल्सो डू नॉट फोरगेट टू सी माई शॉर्ट्स एज वेल। टेक केयर, बाय बाय।